एक बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन निकल के सामने आ रही है। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पे एक पुल बन रहा था जो कि ऑटोमेटिक ही अपने आप भरभरा करके गिर गया, जिस पे बिहार में राजनीति तो तेज हो गई है लेकिन कौन क्या बोल रहा है कौन क्या, ये कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। जैसे हम आपको तीन स्टेटमेंट अभी दिखवाते हैं और तीनों स्टेटमेंट को देख करके आप जरा सोचिएगा कि बिहार में चल क्या रहा है। यहाँ पे तेज प्रताप यादव पर्यावरण मंत्री हैं बिहार के, वो क्या बोलते हैं, ये बीबीसी की न्यूज है, बीबीसी ने पोस्ट करा है। इन्होंने ये बोला है कि ये बीजेपी वाले लोगों ने किया है, पुल तो उन्हीं लोगों ने गिरवाया है, हम लोग बना रहे थे वो गिरा रहे हैं। ये पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव का कहना है इस पुल पे जो गिर गया। साथ ही साथ अब नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, इन्होंने क्या कहा, मुझे बहुत तकलीफ हुई है, पुल ठीक नहीं बना रहे थे तभी तो गिरा है, यह पुल मजबूती से बनाना चाहिए था। ये कौन बोल रहा है, नीतीश कुमार बोल रहे हैं। इसी पुल को लेकर के मनीष कश्यप 2022 में, ये 2023 चल रहा है, 2022 में एक वीडियो बनाया था जिसमें उसने साफ बोला था कि इस पुल का दुर्घटना हो सकता है बाद में। थोड़ी सी क्लिपिंग देखिए। ये उड़ने वाले पुल पे देखिए नितिन गडकरी जी, और इसका जांच कराइए। ये देखिए ये जो कास्टिंग हुआ है वो गलत तरीके से कास्टिंग हुआ है, पूरा गलत तरीके से कास्टिंग हुआ है। इसका जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वो स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाएगा। और ध्यान से देखिए यहां पे जगह-जगह पे जो है ना वो मिस्टेक हुआ है, जगह-जगह पे यहां पे मिस्टेक हुआ है। और ये बिहार का आधुनिक गांधी सेतु होने जा रहा है, कहीं नहीं तो कहीं जो है इस पुल में भारी अनियमितता बरती जा रही है और देश के यशस्वी नेताओं को इस पे जांच बिठाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि कमीशन के चक्कर में ये पुल बर्बाद हो गया। ये मनीष कश्यप का वीडियो लाखों लोगों ने देखा है, लेकिन इस रिपोर्टिंग के बाद भी बिहार सरकार ने ये नहीं समझा होगा कि यहां पे कुछ अनुचित घटा है, तभी ये रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहा है। थोड़ा सा चेक करवा लें, यदि उस समय बिहार सरकार चेक करवा ली होती तो शायद ये घटना ना होती। बाकी मैं सही हूं या नहीं हूं आप बताइए कमेंट सेक्शन में। सब्सक्राइब कर लीजिए अंकित न्यूज को।